साउथ की एक फिल्म ने बॉलीवुड के तीन नामी और पॉपुलर खान की फिल्मों को बीट कर दिया है, लेकिन जब आप आंकड़े सुनेंगे कि इस एक फिल्म ने सलमान शाहरुख आमिर की कितनी फिल्मों को मात दी है तो आपको भी हैरानी होने वाली है। हाल फिलहाल इन दिनों हर ओर ट्रिपल आर का जलवा है। राजा मौली ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR लीड रोल में है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रखा है और तो और इसने 1,000 करोड़ रुपए की कमाई तक कर डाली है। खैर वो बात अलग है कि अब कमाई 1,000 करोड़ पार कर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि तीन खानों का ट्रिपल आर से क्या लेना देना, तो आपको बता दे कि लेना देना है, क्योंकि सलमान आमिर और शाहरुख की 5 फिल्मों को बीट करने वाली मूवी राजा मौली की ट्रिपल आर ही है। जी हाँ, इन तीनों ही खानों की आखिरी 5 फिल्मों की कुल कमाई भी ट्रिपल आर के आगे फीकी है। इस तरह राजा मौली एकमात्र इंडियन डायरेक्टर बन गए हैं जिन्होंने बैक टू बैक 1,000 करोड़ रुपए की फिल्में दी हैं। इससे पहले उनकी बाहुबली 2 ने भी 1,000 करोड़ की कमाई की थी और अभी तक भी उनके इस इंडिविजुअल वाले आंकड़े को कोई छू या टच भी नहीं कर पाया है। लेकिन लगता है कि इस बार KGF 2 ये जरूर करके दिखा सकती है। खैर बात करें सलमान शाहरुख और आमिर की उन 5 फिल्मों की लिस्ट के बारे में, तो इसमें सलमान खान की भारत जो 2019 में रिलीज हुई थी वो शामिल है। इस फिल्म ने 209 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि दबंग 3 जो कि 2019 में ही रिलीज हुई थी वो भी बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ की ही कमाई कर सकी। वहीं 2021 में आई अंतिम बॉक्स ऑफिस पर लगभग 39 करोड़ रुपए कमा सकी, जबकि आमिर खान की आखिरी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में आई थी, उसने 151 करोड़ रुपए की कमाई की थी। शाहरुख खान की आखिरी रिलीज फिल्म जीरो जो भी 2018 में रिलीज हुई थी, फिल्म ने 98 करोड़ रुपए कमाए थे। इन 5 फिल्मों का टोटल किया जाए तो उनकी कुल कमाई 647 करोड़ रुपए बैठती है। इस तरह ये 5 फिल्में मिलकर भी बाहुबली डायरेक्टर की एक फिल्म ट्रिपल आर का मुकाबला बॉलीवुड के तीन बड़े खान भी नहीं कर पाए। हालांकि ये चुनौती बॉलीवुड एक्टर्स के लिए बढ़ती ही जा रही है। बाहुबली से शुरू हुआ ये सिलसिला फिलहाल KGF 2 पर आकर रुका है, जिसने भी वर्ल्ड वाइड कमाई का कहर ढा रखा है। इसमें कोई दोराहे नहीं कि इन दिनों साउथ सिनेमा की सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया जहां भर में धूम है। साउथ के डायरेक्टर पैन इंडिया फिल्में बना रहे हैं और इन फिल्मों को जोरदार सपोर्ट भी मिल रहा है। साउथ में धाक जमाने के बाद साउथ स्टार्स और डायरेक्टर्स ने अब नॉर्थ और ओवरसीज में बैठे सितारों की भी नींदें उड़ा दी है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।